धुमला जिले के कामड़ा प्रखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय कामड़ा के क्लर्क भारती कुमारी के साथ तीन सहायक शिक्षक 1985 से कार्यरत हैं, लेकिन इन शिक्षकों को 1985 से लेके अब तक मानदेय के नाम पर कोई राशि नहीं दिया गया है, जिसे शिक्षक निराश हो गए हैं और बच्चों की शिक्षा में काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। सरकार द्वारा प्रोजेक्ट स्कूल 300 खोला गया। बिहार और झारखंड अलग होने के बाद यहाँ पर 89 विद्यालय आपका झारखंड में आ गया। हम लोग सोचे कि अलग होने के बाद हम लोग सबसे ज़्यादा उन्नति करेंगे लड़की शिक्षा पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग इतना पिछड़ गए कि हम अब बताने में भी हमको असमर्थ ही लग रहा है। सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, मतलब आज से 83 से स्कूल खुला है ऐसे, लेकिन इसको सरकार मान्यता दे रही है 85 से। यही स्कूल है जो बिहार में है, 150 विद्यालय, उनको सबको पेमेंट हो रहा है, सबको। मानदेय के नाम से हम लोग सरकार का पैसा 10 रुपया भी नहीं जानते हैं। मतलब हम लोग अभी एक अनपढ़ गवां ठेपो छाप वाला से भी हम लोग ख़त्म है। हम लोग को अब शिक्षक कहलाने में गर्व नहीं, शर्म महसूस हो रही है। 95 में अनशन किए रांची राज्यपाल के प्रांगण में भी, बिरसा चौक में भी किए थे। तो अनशन को भी गवर्नमेंट ने आश्वासन दे के तोड़वाया अमरन अनशन को, और पेमेंट अभी तक नहीं किया। हाई कोर्ट भी डिसीजन प्रोजेक्ट के तरफ दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी दिया है। कोई आशे पर हम लोग विद्यालय प्रत्येक दिन आते जाते हैं, हम लोग का लाइफ चौपट होते जा रहा है। बच्चा भी पढ़ नहीं सके, इसके आशे में हम लोग के पास पढ़ाने का ताकत नहीं है। बैठने के लिए आप लोगों को कुर्सी टेबल है क्या? नहीं, हम लोग को तो एक चादर है या तिरपाल बिछाया जाता है और बैठते हैं हम लोग, ऐसे ही पढ़ते हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, खिड़की भी नहीं है, बारिश अंदर आ जाती है, कभी कभी बादल किया हुआ रहता है तो ठंड भी लगती है, बारिश घुस जाती है खिड़की से। तो शौचालय है लेकिन वहाँ टंकी में पानी नहीं है, नहीं टंकी लगा हुआ है। इस समस्या से संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला, जिनका नाम है सच्चिदानंद तिगा, और मोबाइल नंबर 0941-91-75-15 है। अतः आप तमाम वीडियो देखने वाले साथियों से हम अपील करते हैं कि ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएं, ताकि इस समस्या का समाधान जल्द हो। मैं शांति, गुमला जिला झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।